आप देख रहे हैं वायरल खबरें द न्यूज। लॉन्च हुआ है इसके बारे में जी, हम इंसान सब लोग जीवन तो जी लेते हैं, मगर आजकल इतनी भागदौड़ की जिंदगी शुरू हुई है, इतना तनाव बढ़ गया है कि आदमी भाग रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना स्पीड में भाग रहा है, मगर वो भाग रहा है। और इसके लिए अगर लगता है कि कुछ नहीं किया जाए तो पीछे रह जाएगा, इसलिए करते ही रहते हैं, मगर कहीं शांति से दो मिनट रुक कर सोचते नहीं है कि भाई कैसे मुझे अपना जीवन जीना है। और यही कुछ गड़बड़ हो रही है कि 22 साल की उम्र में हार्ट अटैक आके यंग लड़का ख़त्म हो जाता है, 28 साल में डायबिटीज से ग्रस्त हो जाता है, तो कहीं अस्थमा इतना ख़राब हो जाता है कि वो सांस लेने की भी तकलीफ़ हो रही है, रात को नींद नहीं आती, स्लीप एपनिया ऐसा मुंह पे वो लगा कर और सोना पड़ता है। ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी शुरू हो गई है, बीमारी नई नई तरह की बीमारी आ रही है। और मैंने देखा है पूरे जीवन काल में, अब हम मैं खुद 75 साल की हूँ, 50 साल से मैं योग में सिखा रही हूँ, उससे भी ज़्यादा, और मैंने देखा है कि इंसान गलतियाँ कहाँ कहाँ करता है, वो ज़रा गलती नहीं करेगा तो स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा, आनंदित रहेगा, पूरा परिवार अच्छा रहेगा। और मैंने वो चीज़ें मेरी किताब में बताई हैं, ऐसी 7-7 चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना ही है, उसे नज़रअंदाज मत करिए, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए और वो करेंगे तो ठीक रहेगा। सबसे पहला आता है काम, क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो वर्क कल्चर, तो काम करते वक्त थोड़ा सा याद रख के, मैं अगर कुर्सी पे बैठी हूँ, आगे झुक के कंप्यूटर पे हूँ तो थोड़ा सा याद रख के मैं ऊपर तो देख ही सकती हूँ, काम तो सोच रही हूँ तो आँख बंद करके भी सोच सकती हूँ, थोड़ा उठकर और बारी के पास जाके दूर की कोई चीज़ देख सकती हूँ, क्योंकि पास में ही देख रही हूँ मैं तो टेंशन बढ़ जाता है दिमाग में। ये तो छोटी छोटी चीज़ें बताई मैंने, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, पलाठी मार के बैठ सकूँ तो पलाठी मार के बैठ के कुर्सी पर काम कर सकती हूँ तो ये सारी हड्डियाँ और सब कुछ ठीक रहेगा, हार्ट तक सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा अगर इस तरह रहूँगी तो ये छोटी छोटी बातें वर्क करते वक्त ध्यान रखनी है। काम करते वक्त कुर्सी पे ही जरा आगे झुक गई, जरा साइड में यूँ कर लिया, यूँ कर लिया, गर्दन को ही ठीक कर लिया, क्योंकि सब तनाव आ जाता है गर्दन पर, शोल्डर पर, शोल्डर स्टिफ शोल्डर, ये सब बहुत कॉमन है वर्किंग लोगों में, तो ये वर्क कल्चर में थोड़ा बदलाव लाना, ये एक इश्यू है मेरा। और वहाँ सब अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे ना, पानी पीना है तो प्यून को मत भुलाओ, आप उठकर जाके पानी पी के और आ जाओ तो आपका चलना हो जाएगा, जितना हो सके इंसान चलता रहे ना तो वो स्वस्थ रहेगा। एक जगह बैठ गया ना तो वो फिर किडनी भी डिस्टर्ब, लीवर भी ख़राब, पेट में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स, गैसेस, एसिडिटी, हेडेक, माइग्रेन, चक्कर आना, ये सब शुरू हो जाता है एक जगह बैठे बैठे ज़िंदगी बिता रहे तो। माइक और उसके साथ भी आदमी बैठा बैठा देखता रहता है दुनिया के साथ, मगर इसमें बिजी। हम कहते हैं खुद उठो, शरीर को हलाओ चलाओ, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये वर्क कल्चर की बात है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम अपना लेंगे, एक बार आप पढ़ लोगे ना तो आपको खुद अंदाज आ जाएगा कि मुझे कैसे काम करना है। आप सब अपने क्षेत्र में, और हम देख रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, कैप कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और हमने देखा है कि कैसे ये छोटा छोटा सीख कर वो अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। प्रिंट बुक के अलावा ई बुक, ऑडियो बुक ऐसा कुछ है और भी निकला है? वो सभी हम बिल्कुल आज के युग के साथ जो जो जरूरी है कम्युनिकेशन करने के लिए वो सब हमारे साथ है। और सबसे ज़्यादा मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ उसका प्रेसी फॉर्म मेरे यूट्यूब टॉक्स पे है, मेरे यूट्यूब टॉक्स काफ़ी पॉपुलर हैं, मोर देन 3.5 मिलियन लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, और बहुत सारे लोग, मैं जहाँ भी जाती हूँ, फिर रशिया, अमेरिका, जर्मनी, अभी मैं कहाँ थी, मैं फ्रांस में थी, स्पेन में थी, वो हर जगह लोग पहचानने लगे हैं क्योंकि वो सुनते हैं वो टॉक। थोड़ा लोगों में थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है क्योंकि परिवार के ही कोई लोग मर गया है
अभी कोरोना के टाइम पे तो कितने ही घरों में डेथ हो गई है। अपना खुद का खोया हुआ आदमी इतना दुखी रहता है, जब ये सुनता है तो बात उसकी और हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अपनी सोच को थोड़ा बदलो। अभी मेरा नहीं है मगर जो है उसको तो मदद करो, जिंदा नहीं है मगर जो मृत्यु है। थोड़ा सा जब माइंड बदलेगा तो जीवन अच्छा होगा। जैसे आपने हेल्दी लाइफ के ऊपर बुक निकाली है, वैसे लोगों की थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स को हटाने का ऐसा कोई बुक इस किताब में वो सब है ना, क्योंकि माइंड को ही पहले पकड़ना है। आदमी हेल्दी नहीं रह सकता अगर दिमाग को सही स्थिति में नहीं रखा तो। ह्यूमन माइंड सुपरसीड्स बॉडी, इसलिए हमारी योग में जो भी बातें होंगी सबसे पहले मन के साथ होगी, और मन के साथ शरीर जुड़ा है। शरीर में कुछ प्रॉब्लम है वो तो ठीक करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है मन के स्वभाव को बदलना। और वो स्वभाव को बदला जा सकता है अगर वो ध्यान दे। आजकल के बिजी जिंदगी में लोग योगा से ज़्यादा मेडिसिन पे भरोसा करते हैं, जबकि योगा से हर चीज़ संभव होता है जी। तो जो मेडिसिन पे भरोसा करते हैं उन लोगों को क्या करें? देखिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली मेडिसिन उस पर काम तो कर डालेगी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर प्रॉब्लम सॉल्व मेडिसिन नहीं करती। मेडिसिन कोई रोग को शरीर से हटाने में मदद नहीं करती, मेडिसिन उस रोग के साथ जीवन जीने में मदद कर देती। आप जी रहे हो उस मेडिसिन के साथ, लेकिन फिर वो मेडिसिन भी काम नहीं आएगी आगे जाके, और वो मेडिसिन के अपना साइड इफ़ेक्ट्स तो है ही। वो तो हर मेडिसिन का है, कोई भी मेडिसिन वो जाओ जरा गूगल में पढ़ लो कितने कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स को जब ठीक करने लगते हो, अपना थोड़ा ध्यान देने लगते हो, तो मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप को छूट जाती। हमने बहुत रिसर्च किया है हार्ट पेशेंट्स पे, डायबिटिक्स पे, अस्थमा पे, सब जगह जहाँ कहते हैं मेडिसिन के बिना ये नहीं होगा वो नहीं होगा, अब वो सारे लोग जो बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, हमें कोई दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दवा लेंगे तो और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, इसलिए फिर दवा बंद हो जाती है या बिल्कुल माइनर हो जाती है। तो ये समझदारी भी आ जाती है कि मुझे अपना ध्यान खुद देना है स्वस्थ रहने के लिए। और सिर्फ स्वस्थ रह के क्या होगा, स्वस्थ रह के स्वस्थ जीवन, अच्छा जीवन, लोगों के काम आए हम, ये भी तो उतना ही ज़रूरी है। खुद के लिए तो जानवर भी जीता है भाई, दूसरों के लिए जीना ज़रूरी है। जब दूसरों के लिए जीते हैं तो बहुत आनंद आता है, वर्थवाइलनेस फील होती है कि यार जीवन में कुछ किया। मुंबई की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर कोई स्ट्रेस में ही रहता है, क्या लगता है उसके लिए किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए? बस उस स्ट्रेस में ना रह के भी वही भाग दौड़ की ज़िंदगी कर सकता है आदमी। वही दौड़ो, खूब स्ट्रगल करो, स्लॉग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है ये समझ लो। कभी ओवर टाइम भी करना पड़े कर डालो, बोलो ओवर टाइम करते कर ध्यान दो कि चार घंटे हुए, एक बूटी चना तो मुंह में डाल लूँ, एक गिलास नींबू पानी तो पी लूँ, उतना सिर्फ ध्यान देना है कि समय समय पर मुंह में कुछ चला जाना चाहिए। काम करो, रात को नहीं नींद आई तो दिन में खाली पेट सो जाओगे तो आधे घंटे में आपको आराम मिल जाएगा, और पेट भर के सोओगे तो आराम नहीं मिलेगा शरीर को, क्योंकि शरीर तो उसको पचाने में लगा है। तो ये छोटी छोटी बातें, अगर अच्छा नहीं सोओगे तो क्या होता है, और अच्छी नींद लेने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब बातें सब पता ही है।